कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां पावला माइनो का निधन हो गया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की मां का शनिवार 27 अगस्त को इटली में उनके घर पर निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को हुआ है। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी पिछले हफ्ते अपनी मां से मिलने के लिए गई थी। ये यात्रा मेडिकल जांच के लिए उनकी विदेश यात्रा का हिस्सा थी, जहां उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ गए थे। सोनिया अभी भी विदेश में ही हैं। बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले कुछ सालों में कई बार अपनी नानी से मिलने इटली जाते रहे हैं। 2020 में जब राहुल गांधी को उनके लगातार विदेश यात्राओं पर कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तब पार्टी की तरफ से यही कहा गया कि वो एक बीमार रिश्तेदार से मिलने के लिए इटली की निजी यात्रा पर हैं। इटली के वेनेटो में लुइसियाना नामक जगह पर 9 दिसंबर 1946 को सोनिया गांधी का जन्म हुआ था। जगह भले ही इटली की थी, लेकिन किसे पता था कि एक फासिस्ट सिपाही के घर जन्मी ये लड़की भारत की सियासत को बदल कर रख देगी। पिता स्टीफनो माइनो फासीवादी सिपाही थे, साथ में वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी चलाते थे। माँ पाओला माइनो के साथ सोनिया बचपन में इटली के ओबरसानो में रहीं। 13 साल की उम्र तक उन्होंने कैथलिक स्कूल में पढ़ाई की। कहते हैं सोनिया को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। उनकी माँ भी काफी स्वादिष्ट खाना बनाती थी। जब सोनिया राजीव गांधी से शादी कर भारत आई तो अपनी सास इंदिरा गांधी को स्वादिष्ट पास्ता बनाकर खिलाया करती थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी अपनी नानी से बेहद लगाव रहा है। वे अक्सर अपनी नानी से मिलने जाया करते थे, लेकिन अब सोनिया गांधी की मां पाओला माइनो इस दुनिया में नहीं रही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।